अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत और यूनिक फ्लावर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैं बिलियन स्टिच का जो पैटर्न है वो फॉलो करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्लावर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लावर का सेंटर पार्ट बनाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बांधेंगे। ठीक है, स्लिप नॉट बांधने के बाद चेन फोर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब लास्ट चेन को फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है आपने। इसके बाद अब हमने एक चेन बनाना है और इस चेन को हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे, जस्ट ये हमने एक चेन बनाना है यहाँ पर। और फिर इसके बाद ये जो हमने चेन सर्कल बनाया है इसके अंदर हमने टोटल 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ऐसे करके हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। टोटल 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब लास्ट हाफ डबल क्रोशिया को फर्स्ट के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे, आपकी मर्जी है आप कलर चेंज करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं फ्लावर का सेंटर व्हाइट कलर से बनाऊंगी और जो फ्लावर होगा उसको रेड कलर का बनाऊंगी। ठीक है, ये हमने सेंटर बना लिया, अब हम रेड कलर का यूज करेंगे और ये हमारा मेन कलर है। इसमें भी हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद ये जो हमने सेंटर बनाया है इसकी किसी भी एक स्टिच से आप स्टार्ट ले लें। ऐसे हम स्टार्ट लेंगे, चेन फोर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और फिर यहां से एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगेन चेन फोर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगेन चेन फोर, 1, 2, 3, 4। एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इन स्टिचेस को इसी तरह फॉलो करेंगे और टोटल हमारे चेन स्पेस जो हैं वो 5 बनेंगे। ठीक है, ये टोटल मैंने 5 चेन स्पेस बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फर्स्ट चेन स्पेस है इसमें स्टिचेस बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे चेन स्पेस के अंदर, देन उसके बाद चेन 3, 1, 1, 2, 3। अब इसके बाद हमने बिलियन स्टिच बनाना है, तो उसके लिए हमने दोनों नीडल्स को एक साथ ज्वाइन कर देना है। आप कोई भी टेप यूज कर सकते हैं, कुछ भी जिसकी हेल्प से आपने दोनों नीडल्स को ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये वाला साइड जो है हुक हम यूज कर रहे हैं और इसको हमने यहाँ पे लाके इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पर ये देखिए, आपने इतना गैप रहने देना है। ठीक है, दोनों हुक्स को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम इन स्टिचेस को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर 3 चेन बना लिए हैं। 3 चेन बनाने के बाद ये जो लूप होगा हुक के ऊपर, आपने इसको ऐसे खींच के बड़ा करके यहाँ पर इन दोनों हुक्स को ऐसे आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, इसके बाद हम इस लूप को काउंट नहीं करेंगे और टोटल 5 लूप्स हम इस तरह से हुक के ऊपर बना लेंगे। 5 टाइम्स इसको रैप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमने इन लूप्स को थोड़ा सा करीब लेके जाना है और इनको ऐसे अपने थंब से पकड़ लेना है। यहाँ पर एक लूप बनाएंगे ऐसे करके और इन सब लूप में से इसको ऐसे करके खींच के पास करेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेंगे यहाँ पर। ये देखिए, लूप्स पास करने के बाद आप यहाँ पर एक लूप और बनाएंगे
इन सारी स्टिचेस को यहीं पर क्लोज करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये सही से बनेंगे। ठीक है, अगेन फिर इसके बाद हमने अब नेक्स्ट इसके सेंटर में ब्रिलियंट स्टिच बनाना है। उसके लिए हम फिर से इस तरह से लूप को बड़ा करेंगे, इसमें हुक को डालेंगे और इस बार हमने टोटल 7 times रैप करना है। इस वाले के लिए हमने 5 किया था, इस बार हम 7 times करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इन लूप्स को आगे लेके आएंगे, यहाँ पर एक लूप लेंगे ऐसे करके। ठीक है, आपने इन लूप्स को यहाँ पर नहीं आने देना। ठीक है, और फिर आपने इनको ऐसे खींच के इनमें से इस एक लूप में से ऐसे बाहर निकाल लेना है, ये देखिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेंगी और फिर एक लूप लेके इन सब को आपने यहीं पर क्लोज कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब अगेन हमने एक और बनाना है और इस बार हम इस वाले को बनाएंगे, 5 times रैप करेंगे। ये देखिए, इस हुक लूप को बड़ा करेंगे, हुक को यहाँ डालेंगे और 5 times रैप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और इन लूप्स को आगे करके यहाँ से एक लूप लेंगे ऐसे करके, और अब इन सब लूप में से इसको पास करेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। अब एक लूप लेके इन सब को क्लोज करेंगे और इसके साथ इस चेन को काउंट करेंगे, 1 और फिर 2, 3। ठीक है, 3 chains बनाने के बाद यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे फ्लावर का जो फर्स्ट पेटल है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक और मैं आपको पेटल बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो चेन फोर स्पेस है उसमें आएंगे ऐसे करके, स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड अब चेन थ्री बनाने के बाद इस लूप को बड़ा करेंगे और इसमें हुक को डालेंगे और 5 times रैप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इन लूप्स को आगे करके यहाँ पर एक लूप लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और फिर इन सब लूप में से इसको पास करेंगे इस तरह से और ये ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन एक यहाँ पर इसको चेन बना के इन स्टिचेस को यहीं पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद अब नेक्स्ट जो सेंटर वाला हमारा है वो बनाएंगे। उसके लिए हमने अगेन इस तरह से लूप को बड़ा करके यहाँ पर हुक्स को डालना है और 7 times रैप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इन लूप्स को आगे करेंगे, इनको पकड़ के आपने रखना है और यहाँ से एक लूप लेके ऐसे करेंगे और फिर इनको ऐसे खींच के इसमें से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ऐसे, और फिर एक चेन बना के इन सबको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब जो है नेक्स्ट लास्ट वाला है उसको हमने फर्स्ट वाले की तरह 5 loops लेके बनाना है, तो 5 times रैप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इन लूप्स को यहाँ ले आके आपने ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे एक लूप बना लेना है और फिर इनको इसमें से ऐसे आपने खींच के पास कर देना है। ठीक है, और लास्ट में हम जैसे बनाया था वैसे ही करेंगे, 3 chains बना के 1, 2, 3 और फिर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सेकंड पेटल इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद अगेन आपने वैसे ही स्टार्ट ले लेना है, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना के और फिर chain 3 बना के इन स्टिचेस को स्टार्ट कर लेना है। जी व्यूअर्स, मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं और ये फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।